शांति के लिए हो रहा है विष्णु राज के घर पूजा। तो हे गाइस, आप लोग कैसे आई हो? क्या आप लोग अच्छे होंगे, बेस्ट होंगे? और सबको नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। और गाइस, इधर आज तो धूप निकल गई है, थोड़ा बहुत निकली है, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसा कि देख सकते हैं बालकनी की तरफ से दिखा रही हूँ आप लोगों को फ्रंट के कैमरा से। तो गाइस, आज बात करेंगे जैसे कि विष्णु राज के घर पे शांति के लिए हो रहा है पूजा। तो पूजा हो रहा है वो ठीक है, बट क्या मालती चौहान का वहाँ से नामो निशान भी हट गया क्या? युवराज भी है अभी, और वो अपने नाना के घर पे है, कहाँ है नहीं पता। जो कि नीरव के वीडियो में मैंने देखा, नीरव के पास है, तो यानी नाना के ही घर पे होगा, लेकिन इनके घर वालों को क्या पता नहीं है, अभी याद आ रही है। जब मालती चौहान युवराज को लेके चली गई थी तो लोग बड़ा उसका फ़ोटो ले लेके रो रहे थे, नाटक दिखा रहे थे, गा रहे थे। अब युवराज की याद नहीं आ रही है। और अब आ जाते हैं टॉपिक पे, जो कि मालती चौहान उस घर की बहू थी, और बहू के साथ साथ उस घर की एक हिस्सा थी, एक परिवार थी, और उसके मरने के बाद भी उसको इन लोगों ने मुक्ति नहीं दी। काम क्रिया में, दाह संस्कार में, अब काम क्रिया तो उसका करना बनता है ना, काम क्रिया के लिए इनके पास पैसा नहीं है, और पूजा पाठ के लिए पहले पैसा आ गया। पहले पूजा पाठ होता है किसी के घर में, अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है या उसका काम क्रिया होता है, उससे मुक्ति लेता है कोई। आप लोग बताना क्या गलत है क्या सही है कमेंट करके। मुझे पता है कुछ लोग नेगेटिव भी हुए होंगे, कुछ लोग पॉजिटिव भी होंगे, हर जगह मतलब हर तरीके के लोग होते हैं, हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है। और अब YouTube पे भी कुछ लोग आ रहे हैं काम करने के बजाय डरा धमका रहे हैं, ऐसे डरा रहे हैं हट जाओ गोली मार देंगे सामने से, आप बोल भी नहीं पाओगे कुछ, भाग जाओगे छोड़ के YouTube। एक दूसरे को टारगेट करना, दौड़ा के जैसे लग रहा है कि मार देगा या पीछे से वार कर देगा, ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब परमाणु बम की तरह धमाका मार देगा, फोड़ देगा, तो समझ भी नहीं आ रहा है ये सब चीज़ें। और आज है 10 तारीख, एक न्यू अपडेट है जो कि आप लोग को पता ही होगा, विष्णु राज की आज बेल की सुनवाई होने वाली है, और अभी तक कोई अपडेट नहीं है गाइस। और जैसे अपडेट आएगा वो भी अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा। और वीडियो को करती हूँ एंड, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और गोंड कार्तिक ऑफिशियल चैनल को जरूर सपोर्ट कर दीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।